हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज का व्लॉग मैं छत से ही अपना स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने नहा लिया है और मैं थोड़ा मौसम ठीक नहीं था तो मैं छत पर ही बैठी हुई थी कुछ देर तक। और मैं यहीं पर थोड़ा ना जो कपड़ा, मौसम ठीक नहीं रहने के कारण कपड़ा वपड़ा भी सही से सूख नहीं पाता है, तो मैं यहीं उलट पलट कर रहे थे और मैं यहीं बैठी हुई, तो आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो चलिए आज का अपना पड़ोस का लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ मैं बैठी हुई थी, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। तो कैसा लगा हम लोग का लोकेशन पड़ोस का, तो देखिए मैं छत पर से ही रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह का है, तो मैं जा रही हूँ नीचे और मैं आ गई अपनी किचन में। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ, ये देखिए क्या है, लोग को नहीं दिखता होगा। तो मैं अब आ गई हूँ नीचे। तो मैं जब भी नीचे आई तो अभी मैम नहीं गई थी, तो मैं ट्यूशन पढ़ा रही है, तो मैं कुछ देर वेट कर लेती हूँ। और क्योंकि मुझे कुछ आज किसी तरह का डिज़ाइन बनाना है ब्लाउज का, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ और किस तरह से सिलाई करती हूँ, सिलाई तो मैं अगले वीडियो में डालूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा। तो थोड़ी देर और देखती हूँ, टाइम हो गया, 12:30 होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और देखिए मैं कपड़े बिछा दिया है और ट्राईपॉड लगा लेती हूँ। तो मैं अपने कपड़े पर, ये मेरा अस्तर है जिस पर मैं इसका ब्लाउज का जो साइज है, तो मैं बिना इंची टेप का ही इसमें काटना है हमें। तो मैं देखिए मैं बिना इंची टेप के काट के दिखाती हूँ कि बिना इंची टेप के कैसे कटता है। तो सिंपल सा अपना ब्लाउज रख लो और उसके बाद में डबल फोल्ड में, और ये दागी मैंने जो छोड़ा है, कपड़ा छोड़ करके जो मैंने लगाया है, तो ये सीने के टाइम में फोल्ड कर देना है इसे। तो मैं जहाँ हमें कटना है वहाँ से धागे लगा लिया है और मैं इसे धागे लगा लेती हूँ क्योंकि कटने में आसानी होता है। तो जिस तरह से था मैं उसी तरह से सिर्फ रखा है और उसके बाद मैं धागे लगा करके अब मैं इसे कटिंग कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज है क्योंकि मैं इसका गला गोल था और मैं थोड़ा अलग कटिंग कर रही हूँ, तो आप देखते रहिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह का मेरा डिज़ाइन है और मैं
थोड़ा इसमें डिज़ाइन का कुछ और चेंज होगा जब मैं सिलाई करूँगी उस टाइम, तो सिर्फ एक कटिंग है मेरा। तो यहाँ मैं आर्म होल निकाल लेती हूँ एक साइड से, और इतना जितना बचा हुआ मेरा कपड़ा है इतना ही में मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट को मैं निकाल रही हूँ, और इसी से हमें सब कुछ निकालना है। तो देखते रहिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। थोड़ा सा भी कटिंग इधर उधर होने से आपका कपड़ा घट भी सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और कहीं कट करके स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो जहाँ तहाँ से आप कपड़ा रख करके कटिएगा तो उसमें आपका कपड़ा घट भी सकता है, क्योंकि अस्तर मार्केट में एक ही साइज़ में आता है। अगर ज़्यादा बड़ा लेना होगा तो आपको थान से कटवाना पड़ता है, तो ये पीस वाला है और थोड़ा हेल्दी है, तो इसे बहुत सोच समझ कर कटना होगा। तो मेरा ये सारा पार्ट काट चुका है, तो ये मेरा ब्लाउज का फैब्रिक है, तो इसमें मैं निकाल लेती हूँ इसमें जो लेस लगा हुआ है, क्योंकि लेस आजकल छोटा ही मार्केट में देता है तो सही से नहीं हो पाता, तो इसे खोलना ही पड़ता है, तो इसे मैं खोल लेती हूँ। तो ये देखिए मैं खोल लिया है, और बाकी सीधा से अपना कपड़ा बिछा लिया डबल फोल्ड में, और जितने मैंने अस्तर का कटिंग करके रखी हूँ मैं पहले से, तो सब को उसी पर एक एक करके सीधा से बिछा लेना है। तो ये देखिए मैं किस तरह से सबको डबल फोल्ड कर करके और रख रही हूँ। तो सबको मैं एक एक करके कट करके निकाल लेती हूँ, और अब ऐसे ही कटना है जिस तरह से पहले का अस्तर कटा हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।